जी, आज का जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज इफेस, प्रोनाउंसिएशन यूके, इफेस 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 फेस। ये जो वर्ड है ना, ये डिफथोंग है इसमें, यानी एक होता है फेस एक फेस, फील और फील, डील और डील, इस तरह ई के ऊपर स्ट्रेस है इफेस। यूके प्रोनाउंस यूएसए, face इफेस face फेस। face डिफरेंस ये है कि जो यूके वाले हैं थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस देते हैं ई जो वाली, इफेस इफेस वी अफेस। चलें जी, इस वर्ड का मीनिंग है टू मेक समथिंग डिसअपीयर, टू रिमूव समथिंग, गायब कर देना, खत्म कर देना किसी चीज को, टू रिमूव समथिंग इंटेंशनली, जानबूझ के उसको मिटा देना, खत्म कर देना। अच्छा, ये सेंटेंस इज ऑक्सफोर्ड का जी। पहला पहला सेंटेंस, द होल कंट्री हैड ट्राइड टू इफेस द मेमोरी ऑफ द ओल्ड डिक्टेटरशिप। द होल कंट्री हैड ट्राइड टू इफेस द मेमोरी ऑफ द होल ओल्ड डिक्टेटरशिप। इन दिस आर्ट ही एफेसेस हिमसेल्फ ऑलमोस्ट कंप्लीटली। अपने आर्ट के अंदर उसने अपने आप को खत्म कर दिया बिल्कुल। अच्छा जी, एफेस समथिंग मीन्स दैट, अच्छा एफेस समथिंग एंड एफेस योर सेल्फ इस सेंस में यूज होता है, इरेडिकेट, वाइप आउट, एलिमिनेट, डिमिनिश, ठीक है ना, एफेस, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स में एग्जिस्ट है, बॉर्न है, ठीक है ना, वर्ड फैमिली, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये मैं सही करूंगा इसको, फेस का। 351 जी, नेक्स्ट वर्ड इगैलिटेरियन, हमने डिस्कस किया था, दोबारा देख लेते हैं जी। Egalitarian, egalitarian, यहाँ पे ऑपोजिट है, यहाँ पे ई पे ज्यादा स्ट्रेस करें यूएसए वाले, egalitarian, और ये एगैलिटेरियन, egalitarian, एगैलिटेरियन। egalitarian, 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 egalitarian. egalitarian। अब अच्छी बात यह है कि आप बिल्कुल ना शुरू से याद कर रहे हैं और सही याद कर रहे हैं। जो वर्ड्स आपको पहले याद है ना, उनकी प्रोनंसिएशन ठीक करना मुश्किल है, और जिसको फर्स्ट टाइम याद कर रहे हैं, अगर उसको सही प्रोनंसिएशन से कर लें तो वो आपके जहन में रहेगी। इगैलिटेरियन यूएसए, इगैलिटेरियन ब्रिटिश प्रोनंसिएशन। एक ऐसा इंसान जो इक्वालिटी के ऊपर, इक्विटी पे बिलीव करता है और कहता है कि सबके सेम राइट्स होने चाहिए, उसको इगैलिटेरियन कहेंगे। या फिर ये सोचना, बिलीविंग बिलीविंग दैट ऑल पीपल आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। अच्छा जी, सेंटेंसेस में आते हैं हम लोग। द पार्टीज प्रिंसिपल आर बेसिकली इक्वालिटेरियन, इक्वालिटी के ऊपर बेस करते हैं। ही डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज एन इक्वालिटेरियन। अच्छा, इस दो चीजें, एक होता है अदल और एक होता है इंसाफ। अदल और इंसाफ में थोड़ा सा डिफरेंस है, और इक्वालिटी का भी जो फिनोमिना है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। मीन्स के मेरे हिसाब से हर चीज इक्वल नहीं होती। माँ बाप के राइट्स, बच्चों के राइट्स, मियाँ बीवी के राइट्स इक्वल नहीं होते। कुछ राइट्स ऐसे हैं, किसी को अल्लाह ने इज्जत ज्यादा दी है, किसी को अल्लाह तआला ने कम दी है, किसी को पोजीशन और रुतबा अता फरमाया, किसी को कम अता फरमाया, किसी का हक ज्यादा किसी का कम है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन उसने जिस तरीके से किया अल्लाह की जात ने, वो एक मतलब कॉम्प्लेक्स चीज है आम इंसान के। इसी तरह अदल जो है ना, इंसाफ ये है कि जिसने चोरी की उसके हाथ काट दिए जाएं, जिसने ये काम किया उसको 6 माह की सजा दी जाए, 2 साल की सजा दी जाए, किसी ने भी कुछ कुछ भी किया तो इंसाफ यही है कि जो एक के लिए वो दूसरे के लिए। अदल में कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है, और यहाँ पे कुरान पाक की एक आयत है, ला युकल्लिफुल नफ्सा इल्ला वुसअहा। तो कुछ स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि कयामत वाले दिन भी जिस कॉन्टेक्स्ट में आपको रखा गया है उसके अकॉर्डिंगली देखा जाएगा। मसलन एक बंदा है, उसके इर्द गिर्द आजमाइशें और बुरे हालात हैं, वो वहां पे जो एक्ट करता है उसकी सजा और जजा डिफरेंट होगी, और एक बंदा फुल कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में है और वहां पे वो करता है तो उसकी डिफरेंट होगी। तो दोनों की सिचुएशन डिफरेंट है, दोनों को टफ टाइम डिफरेंट वे में दिया जा रहा है, तो उनकी जजा और सजा भी डिफरेंट है।
बाज का बड़ी सख्त कोई गलती की होती है तो बंदे को छोड़ दिया जाता है और बाज का उसको पकड़ लिया जाता है, तो वो अदल और इंसाफ। तो ये इक्वालिटी मुसावात है ये कुछ चीजों में है, जैसे द एक्सेस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जैसे मेल फीमेल में हमने बताया था कि जो मैंने डेफिनेशन थी वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर, जो फीमेल राइट्स की जो खवातीन कहती हैं, वो एक CNN में थी, डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें शी वॉज सेइंग दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल रिसोर्सेज, कि आपकी को दे दिए जाएंगे जी, आप इक्वल रिसोर्स आपके पास आ जाए और उसमें भी जो है ना वो इक्वालिटी मिल जाए। तो थोड़ी सी बात ऑफ टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा बेसिकली ह्यूमन विजडम जो सी है ना वो सुपरसीड कर रहा था सारी चीजों को। तो वो कुछ खवातीन थी, उन्होंने कहा कि जी अगर किसी मर्द से मर्द की डेथ हो जाती है तो उसके मुकाबले में आप इस्लाम में है कि जी आप 80 जो ऊँट हैं वो देते हैं, मतलब उसका फदिया ही है, अगर आप किसी मर्द को मार दें तो 80 ऊँट मिलेंगे, तो अगर किसी औरत की आप कत्ल कर देते हैं या कोई गलती से डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसकी जो सी उसके अगेंस्ट आपको 40 उसके हाफ देने पड़ते हैं, तो ये तो बड़ी ज्यादती है। तो वो वहां पे जो स्कॉलर थे उन्होंने कहा कि अगर मर्द मर जाता है तो फदिया किसके पास जाएगा, तो उसने कहा औरत के पास, उसकी बीवी के पास आएगा, वो कितने ऊंट होगा जी, 80 ऊंट होगा, और अगर औरत की डेथ हो जाती है तो फिर फदिया जो सा जो 40 ऊंट है वो किसके पास जाएंगे, तो जो मर्द के पास जाएंगे, तो घाटे में इसमें कौन सा रहा। बजाहिर देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे ज्यादती औरत के साथ हो रही है, लेकिन हकीकत में जो 50% है वो मर्द को मिल रहा है, जब उसकी डेथ होगी उसने ऊँट साथ तो नहीं लेके जाने। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इक्वालिटी से बात चल रही थी कि उसमें विजडम चाहिए होता है, डिसीजन जो है ना अदल और चीज है और इंसाफ और चीज है, इसी तरह इक्वालिटी के भी स्टैंडर्ड्स डिफरेंट है, कि देखा जाता है कॉन्टेक्स्ट क्या है उसके अकॉर्डिंगली चीजों को आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बहरहाल इन बातों से आई होप सो कि आप ये चीज वर्ड को जेहन में रखेंगे, इगैलिटेरियन। ठीक है जी, चलें जी नेक्स्ट पे आते हैं, मूव करते हैं। इमिग्रेंट्स, Emigrate, इमिग्रेट, emigrate, यूएसए, emigrate, इमिग्रेट। emigrate, emigrate. अच्छा हमें तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, हम इतना डिफरेंस फील नहीं होता हमें यूएसए और यूके की प्रोनंसिएशन में, लेकिन जो नेटिव्स है ना उनको बड़े वाजह तौर पर पता लग जाता है कि ये बंदा यूएसए की, Emigrate, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस ज्यादा है, इमिग्रेट, emigrate. इमिग्रेट, इसमें स्ट्रेस कम है। अच्छा एक डॉक्यूमेंट्री भी है, मैंने यहाँ से रिमूव किया है आज ही, वो जरा देखिएगा कि व्हाई पीपल माइग्रेट, व्हाई डू पीपल माइग्रेट, क्यों माइग्रेट करते हैं, उसके ऊपर उसकी मल्टीपल रीजंस बताई गई हैं, पुश एंड पुल फैक्टर बताया हुआ है, कि पुश मींस कि जो मुल्क है जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे हालात ऐसे हैं कि जो आपको बाहर निकाल रहे होते हैं, और पुल होता है कि दूसरी तरफ से आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं, आप वहाँ पे जाना चाह रहे होते हैं, तो ये पुश एंड पुल फैक्टर को डिटेल में देखिएगा। बहरहाल इमिग्रेट टू लीव कंट्रीज परमानेंटली एंड गो टू लिव इन अनदर वन, टू लीव योर ओन कंट्री टू गो एंड लिव परमानेंटली इन अनदर कंट्री, हिजरत कर जाना, मूव कर जाना। माई ग्रैंड पेरेंट्स इमिग्रेटेड फ्रॉम वियतनाम टू द यूएस इन द 1980s, 1980 में मूव किया उन्होंने, मिलियंस ऑफ जर्मन्स इमिग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका इन द 19th century, इमिग्रेट फ्रॉम, इमिग्रेट टू, ठीक है जी, माइग्रेट और रीलोकेट इसके जी सिनोनिम्स हैं, इमिग्रेट इसका इमिग्रेट, जस्ट 1 मिनट, कम टू लिव परमानेंट इन अ फॉरेन कंट्री, माइग्रेट हिजरत करना, वहां पे रहना, दैट इज इमिग्रेट। वैसे इसका एक और एंटोनिम बेहतर है, सिटीजनशिप, एक और आप लिख लें रेजिडेंस, नेटिव, ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स में आएंगे। और अच्छा जी, सो दिस वाज द वर्ड 353, नाउ जस्ट मूव ऑन टुवर्ड्स
Enfranchise. 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 वोट देने का हक, किसी को वोट देने का हक देना, basically to give a person or group of people the right to vote in elections, to give somebody the right to vote in elections. So that is enfranchise. Women in Britain were first enfranchised in 1918. ठीक है जी, खवातीन उन सब पहली दफा 1918 में उन्हें वोट का हक दिया गया. Two mainstream political parties in Pakistan strongly favor enfranchising teenagers. ये मैंने बनाया sentence. ठीक है जी, एक था एक नहीं था तो मैंने इसको बना दिया. Enfranchising somebody or enfranchising teenagers, unshackle, empower, ताकत देना, चले, और disenfranchise and slave है जी. Enfranchisement है और enfranchise. ये जी 354 तक हमने आज कंप्लीट कर लिया है. आहिस्ता आहिस्ता वी मूव ऑन टूवर्ड्स 400 वर्ड्स और फिर 500. और इस दफा मेरा पूरा इरादा है कि कोशिश होगी कि हम लोग 1000 वर्ड्स की तरफ मूव करें. एक दफा रिवाइज करेंगे, लेकिन जब रिवीजन का सेशन आएगा तो इस दफा 10 वर्ड्स ईच डे आएंगे. तो कोशिश करके अपने 2 से 3 माह में इसको सारा रिवाइज करना, फिर हम उतनी देर में वो वेब डेवलपमेंट आगे नेक्स्ट 500 वर्ड्स अपने प्रिपेयर कर चुके होंगे. तो 1000 वर्ड्स, ये 1000 वर्ड्स एक दफा याद कर लें अच्छी तरह, आप देखेंगे आपकी जिंदगी चेंज होगी. उसके बाद आपको बहुत आसानी हो जाएगी, और अल्टीमेटली कोई भी पेपर, कोई भी टेस्ट, कोई भी कुछ, कोई ऐसे लिखना है आपने, कुछ लिखना है, तो आप बिल्कुल फिल्टर होके बाहर आ जाएंगे और बहुत ज्यादा अच्छे स्कोर्स करेंगे. चलें जी, आज हमने काफी देर होगी डिस्कस नहीं किया था idiomatic expression. तो आते हैं जी idiomatic expression की तरफ. बुक्स रीडिंग, अच्छा जी, गेस व्हाट, आई एम आउट ऑफ हियर, पास. चलें जी, अब नेक्स्ट मूव करते हैं टेक इट फ्रॉम मी. ये idiom है, ये आप कहते हैं जी, यू से टेक इट फ्रॉम मी व्हेन यू आस्क समवन टू बिलीव और एक्सेप्ट व्हाट यू से. टेक इट फ्रॉम मी एंड इज नॉट टू बी ट्रस्टेड, मेरी बात मान ले. टेक इट फ्रॉम मी, एनी एजेंसी है वो ट्रस्ट नहीं किया जा सकता. जैक विल बी अ फेमस एक्टर वन डे, टेक इट फ्रॉम मी. ठीक है ना. जैसे हम उर्दू में नहीं कहते मेरी बात लिख लो किसी जगह पे, इसी तरीके से इंग्लिश में कहते हैं टेक इट फ्रॉम मी. आई विल टेल यू व्हाट यू यूज, आई विल टेल यू व्हाट व्हेन यू विश टू सजेस्ट समथिंग. It's dad's birthday next week and I can't think what to give him. Achha ji. To chalein students, aaj ke liye itna hi. See you inshallah tomorrow. Allah Hafiz.